हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल हट के यूनिक व्लॉग लेकर आई हूँ। रिमेंबर, ये व्लॉग जो है फूड से रिलेटेड नहीं होने वाला है, मार्केट व्लॉग है। और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चांदनी चौक। सबसे पहले मैं वहाँ पर कवर करूँगी क्लॉथ मार्केट, उसके बाद हम जाएंगे खाड़ी बौली। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। लेट्स गो। सो गाइस, हम क्लॉथ मार्केट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से क्लॉथ मार्केट स्टार्ट हो जाता है और एंट्री टाइम पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक काम कर रखा था, जो कि सैनिटाइज़र यूज़ का था और ये टेम्परेचर भी चेक कर रहे थे। उसके बाद हम जैसे ही एंटर होते हैं तो वाओ, आप देख सकते हैं कि हर तरफ बहुत ही अच्छे वैरायटीज़ के यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल थे। ख़ास के बेडशीट, कर्टेन, ये सब कुछ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा अवेलेबल। वेल, क्लॉथ मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने होलसेल प्राइस के लिए और रिटेल प्राइस के लिए। उसके अलावा यहाँ पे होम फर्निश्ड का सारा सामान मिलता है आपको, काफ़ी अच्छे वैरायटीज़ में आपको यहाँ पे बेडशीट मिलेंगे और उसके साथ साथ कर्टन्स मिलेंगे, पिलोज मिलेंगे एंड टॉवल्स मिलेंगे। बहुत दूर चलते हुए मुझे यहाँ पे एक शॉप मिली जो काफ़ी अच्छे कर्टन्स उनके थे और उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में कर्टन्स को रख रखे थे। हर वैरायटीज़ के कर्टन्स यहाँ पे अवेलेबल थे विद हर प्राइस। आपको यहाँ पे 250 रेंज से कर्टन स्टार्ट होकर के 500-550 तक रेंज में कर्टन्स जाएंगे। ये वाला कर्टन जो है वो 300 का है, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में कहूँगी आपके हिसाब से ये कर्टन आपको देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप ये कर्टन देख सकते हो, बॉर्डर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका, और उसके उसका प्राइस जो था वो सिर्फ 300 था। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा विज़िट और करना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे शोरूम्स और शॉप्स वगैरह थे सूट्स के एंड साड़ी के, और उसके अलावा काफ़ी रीज़नेबल प्राइस सबके थे। कुछ ही दूर पे आई थी मैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे सडनली नज़र पड़ी, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरिया यहाँ पे लग रहा था, और ये इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे 250 रेंज के कर्टन अवेलेबल थे। यहाँ पे एक शॉप मुझे दिखी, काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉप थी। इसके अंदर जो सूट वैरायटीज़ थे काफ़ी अच्छे थे, और इन्होंने सबसे अच्छी बात ये रख रखी थी कि हर रेंज के सूट जो थे इनके पास अवेलेबल थे। कॉटन के भी पार्टी वेयर सूट भी थे इनके पास। उसके अलावा इन्होंने टॉवल्स का सेक्शन भी अलग कर रखा था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और काफ़ी सॉफ्ट टॉवल्स इनके पास अवेलेबल थी। बट आई नीड मोर सर्वे बिकॉज ऑफ यू गाइज। तो मैं आगे बढ़ी फिर से, और वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ के पिलोज देखने को मिले। उसके अलावा काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटीज़ के कर्टन्स मिले। तो यहाँ पे एक कर्टन की शॉप थी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉप थी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर्टन, काफ़ी हैवी कर्टन, हर तरह के कर्टन इनके पास अवेलेबल थे। काफ़ी रीज़नेबल रेट के साथ साथ वैरायटीज़ वाइज बहुत ही ज़बरदस्त थी इनकी। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे 250 रेंज से स्टार्ट था। ये जो कर्टन है इसका प्राइस है 500। यहाँ पे कुछ कर्टन और हैं और ये 350 रेंज के कर्टन हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रीज़नेबल प्राइस के साथ साथ। ये होलसेल का भी बिज़नेस करते हैं, तो आप यहाँ पे आके इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके पास इस तरह के कर्टन के पूरे 10 शेड्स थे, और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर भी थे और काफ़ी सोबर भी था, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ब्राइट और कितने ही अच्छे कलर्स लग रहे हैं, एकदम ही सारे के सारे कलर्स जो हैं वो खिल के आ रहे हैं, जो कि हमारे घरों में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे ये वाला बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इसका जो ब्राइटनेस था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके साथ साथ इन्होंने कुछ कर्टन्स और भी हमें दिखाए जो कि 350 रेंज के ही कर्टन्स थे। इन कर्टन्स में भी बहुत अच्छे अच्छे से कलर्स थे, आप कलर्स देख सकते हो कि कितने अच्छे कलर्स हैं। ख़ास के ये चॉकलेट वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये
एक कर्टन था, एक स्टाइल का कर्टन, काफी ज्यादा ब्राइट कलर्स में था। यहाँ पे इन्होंने कुछ कर्टन्स दिखाए जो कि 250 रेंज के कर्टन्स थे, और आप देख सकते हो कि कितने ही ज्यादा ये प्यारे लग रहे हैं। खास के ये व्हाइट शेड वाला बहुत ही अच्छा था। उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ के मुझे एक और कर्टन की शॉप मिली, और मुझे यहाँ के कर्टन सबसे बेस्ट कर्टन लगे। इनका एड्रेस सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा इनके कर्टन आप देख सकते हो कितना ज्यादा, इनका जो क्लोथ वाइज है वो काफी ज्यादा अच्छा था, और बहुत ही प्यारे कर्टन्स थे इनके। तो इनका ये एड्रेस है, आप नोट कर लो और यहाँ ज़रूर विजिट करो। उसी के सामने यहाँ पे एक टॉवल की शॉप थी, और ये काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस में इन्होंने टॉवल्स रखे हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा सोबर कलर के टॉवल्स थे। यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए अलग टॉवल्स थे, किड्स के लिए, और उसके अलावा इनके पास बहुत तरह के अलग अलग वैराइटीज़ की चीज़ें थीं। इन सारे टॉवल्स का जो प्राइस था वो 550 था, क्योंकि ये यहाँ की बेस्ट टॉवल्स थी। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये वाली जो टॉवल थी ये था 550 रेंज की, और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट टॉवल्स थी। बहुत सारे हेयर वेट सोकर्स थे, और काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस में ये दे रहे थे, जिसका सिर्फ और सिर्फ 150 प्राइस था। काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटीज़ वाइज बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो ये वाला जो पीस था ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट था, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। 250 रेंज का था ये, इसका रेंज भी 250 था। इनका एड्रेस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप यहाँ से भी ज़रूर विजिट करें, काफ़ी अच्छी शॉप मुझे ये लगी। ये सारे के जो प्राइस थे वो 250 रेंज का था, और ये भी बहुत अच्छे थे। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे शॉप में देखते हैं कि हमें और आगे क्या डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ती हूँ, और मुझे यहाँ पे एक बेडशीट का कॉलम मिला जो कि बहुत ही अच्छी बेडशीट रखा हुआ था उन्होंने। ये सारे बेडशीट जो हैं वो डबल बेडशीट हैं, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हमें ये दे रहे थे। होलसेल में अगर हम लेते हैं तो काफ़ी हमें चीप पड़ता। और यहाँ पे आप कलर वाइज देख सकते हो, वैराइटीज़ भी बहुत ही अच्छी इन्होंने दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट चेक करी, और मैंने इनसे पूछा कि आपकी लोअर रेंज क्या है बेडशीट्स की। तो उन्होंने मुझे बताया कि 250 इनकी लोअर रेंज थी, और 400 से 500 तक इनकी हायर रेंज थी। तो इन शॉर्ट ये काफ़ी ज़्यादा चीप मुझे लगी, क्योंकि मैंने लाजपत नगर सर्वे किया था तो वहाँ पे जो बेडशीट का जो प्राइस था वो 500 था, बट यहाँ पे हमें काफ़ी अलग अलग क्वालिटी की अलग अलग प्राइजेज़ में मिल रहे थे, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस मुझे लगेंगे। तो मैं रिकमेंडेड आपको यही करूँगी कि आप यहाँ पर आएँ, सर्वे करें, उसके बाद ही आप आगे का डिसीजन लें कि आपको कहाँ से परचेजिंग करनी है। जैसे कि आप ये बेडशीट देखिए, इसकी रेंज जो थी वो 250 ओनली थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीप वैराइटीज़ में ये अच्छी चीज़ दे रहे थे। बाकी ये सारे जो बेडशीट्स हैं इसकी प्राइस 400 है। उसके अलावा जो सबसे लास्ट वाली जो बेडशीट है उसका प्राइस है 550। तो इन शॉर्ट काफ़ी रिजनेबल रेट मुझे लगे, काफ़ी अच्छे रेट लगे, और काफ़ी ज़्यादा चीप मुझे लगा। तो गाइज़ ये वाली जो बेडशीट थी वो 550 की थी। आप देख सकते हैं कि ये अगर इन्होंने प्राइस हाई रखा है तो किस लिए रखा है। इनकी फिनिशिंग देखिए, कलर देखिए, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट कलर्स हैं। और ये सारी बेडशीट्स जो हैं इनके जो प्राइस है वो 250 है। तो आप देख सकते हैं हर वैराइटीज़ की आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और आप ईज़िली यहाँ से आकर के परचेस कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हमें और क्या कुछ मिलेगा सर्वे करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक शॉप देखी जो कि दो बेडशीट दे रहे थे 300 रुपीज़ में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइस मुझे ये लगा। मगर एक चीज़ मुझे ये लगी कि ये बेडशीट्स तो दो दे रहे थे बट डिज़ाइन बिल्कुल सेम था, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि वर्थ इट है। बट ऑफकोर्स उन्होंने काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में रखा हुआ, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए यहाँ पे भी। द
वेल क्लॉथ मार्केट कवर हो चुका है, अब हम चलते हैं खाड़ी बाउली की तरफ। तो खाड़ी बाउली जो है वो मसाले के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं, और होल सेल मार्केट है एक तरह से ये, और साथ में ये रिटेल का भी काम करते हैं। तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि एशिया के नंबर वन मार्केट में से एक है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड टाइप्स के मसाले मिलेंगे, गरम मसाले, ऐसे ऐसे मसाले आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कहीं पे भी नहीं मिलते, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने मसालों के लिए। इनफैक्ट ये ड्राई फ्रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे वो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं जो दिल्ली में या फिर पूरे इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है ये, आपको यहाँ विज़िट ज़रूर करना चाहिए। और बाकी यहाँ पे आपको पता ही होगा कि ईद आ रही है, तो आपको गरम मसालों की ज़रूरत, ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी ही। तो मैं रिकमेंड ये करूँगी आपको कि प्लीज़ आएँ यहाँ पर, विज़िट करें और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू मेरे साथ शेयर करें। पे मुझे एक शॉप अच्छी लगी जो जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो थे काफ़ी अच्छे थे, फ्रेश थे, और यहाँ पे गरम मसाले वगैरह भी बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पे एक पैकेट दे रहे थे बिरयानी मसाले का पैकेट था, इसके अंदर सारे मसाले अवेलेबल थे जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ था। उसके अलावा ये होलसेल और रिटेल दोनों का काम करते हैं। उसी के साइड में एक शॉप थी जो कि नमकीन चिप्स और जितने भी पापड़ वगैरह रहते वो सेल कर रहे थे, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग शॉप थी। यहाँ पे कीवी का पूरा एक बंच था, उसके साथ साथ हम आगे यहाँ से बढ़ रहे थे और मुझे सडनली सा एक फील सा हुआ कि यहाँ पे कुछ तो है ख़ास। तो मैं वहाँ पे जस्ट रुकी और मैंने यहाँ पे देखा कि गरम मसाले का पैकेट भी बहुत ही ज़बरदस्त पैक किया हुआ 220 रुपीज़ में सिर्फ दे रहे थे वो, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ये हमें सारे प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे। मैं थोड़ी सी आगे बढ़ी थी कि मुझे टी लवर्स के लिए यहाँ पे कोई चीज़ मिल गई, और वो है चाय की पत्तियाँ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्राइस में और काफ़ी यूनिक यूनिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे लीव्स मिल रही थी। तो ये पूरा पैकेट भी देते हैं बना करके, उसके अलावा आप जिस तरह से चाहो थोड़ी सी सीड्स थोड़ी सी लीव्स मिला करके भी ये आपको पैक करके देते हैं। काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ इनके पास थी, उनके साथ साथ इनके पास सारे ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे। आप यहाँ से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते थे, गरम मसाला ले सकते थे, गरम मसाला पाउडर ले सकते थे, आपको जो चाहिए उनके पास सब कुछ अवेलेबल था। ये है अचार की शॉप, आपको मैं बता से नहीं सकती कि इनका अचार इतना ज़्यादा टेस्टी है कि बस यहाँ पे इस शॉप में मैं जैसे आई मुझे लगा कि भाई साहब मेरे पास सिर्फ पराठे होते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे काफ़ी वैराइटीज़ के अचार देखे, बहुत तरह के वैराइटीज़ के अचार थे। उसके साथ साथ उनके पास मुरब्बे भी थे जो बहुत अलग अलग तरह के थे, अलग अलग चीज़ के थे, जैसे कि कैरेट के अलग थे इनके पास, और भी बहुत सारे थे। तो इन शॉर्ट इनकी शॉप भी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी, काफ़ी ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आई तो काफ़ी फ्रेश वैराइटीज़ के इनके पास वेजीज अवेलेबल थे, और उसी के थोड़े से आगे जब मैं गई थी तो काफ़ी अलग अलग तरह के यहाँ पे वेजिटेबल्स अवेलेबल थे। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ मिलती हैं, तो यहाँ पे थोड़े दूर चलते ही यहाँ पे एक फ्रूट का अलग एक कॉलम था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जैसे कि ये डेट्स हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारी वैराइटीज़ थे चेरीज़ के एंड कीवीज़ के, काफ़ी अच्छा था स्टॉल ये भी, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ये दे रहे थे। Oh, 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 oh
आज के लिए हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा इस व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। जब तक के लिए बी सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच। सुपर हिट, सुपर हिट, पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।